Hi guys, welcome to my YouTube channel. Excuse me, please, और मैं हूँ कृति. Guys, आप सोच रहे होंगे कि ये जमीन में बैठ के क्या कर रही है, but ये देख लो guys, ये है मेरे 5 shoes जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ. Guys, मेरी winter accessory series चल रही है, आप सबको पता है, और ये उसका 4th and the last video है जिसमें आपको मैं अपने shoes की collection दिखाने वाली हूँ for winter. विंटर में आपको एक्सेसरी के रूप में शूज भी पहनना होता है. जो हमारे समर के शूज होते हैं वो काफी एयरी होते हैं, बी इट अगर हम सैंडल्स पहनते हैं तो वो भी पूरे खुले खुले पहनते हैं ताकि हमारे पैर को हवा लगे. एंड जो हम शूज पहनते हैं लाइक स्नीकर्स एंड ऑल, वो भी हम लोग ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि हवा आती जाती रहे, बट हम ठंड में उसे नहीं पहन सकते वरना हवा आती जाती रहेगी और हमारा पैर बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा. तो गाइज, दीज आर द 5 पेयर ऑफ शूज जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, विच आई लव टू वेयर इन विंटर्स. एंड यू मस्ट नोट वन थिंग कि इन 5 पेयर में से 4 पेयर मैंने श्री लेदर्स कोलकाता से खरीदे हैं. कोलकाता में श्री लेदर्स के काफी सारे आउटलेट हैं. एंड गाइज, उसकी कलेक्शन में इट्स जस्ट वाओ गाइज. पूरे इंडिया में श्री लेदर्स का अगर आपको कलेक्शन देखना है तो कोलकाता के श्री लेदर्स में जाओ गाइज. एंड दीज आर द 5 पीसेस जो मैं विंटर्स में पहनती हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ शू जो मैं विंटर्स में बहुत ही ज्यादा पहनती हूँ. दिस इज अ शिमरी शाइनी ब्लू कलर स्नीकर्स. सी फ्रॉम क्लोजअप गाइस, ये एक नॉर्मल स्नीकर्स है, प्लीज थोड़ा गंदा है, आप उस पर ध्यान मत देना. एक्चुअली इसका कलर भी क्रीम सॉर्ट ऑफ है जिसके कारण मे बी आपको गंदा दिख रहा होगा. एंड सी द शिमरी फिनिश गाइस, इसमें छोटे छोटे सितारे लगे हुए हैं जिसे कि हम सिक्विंस कहते हैं. सिक्विंस वर्क के फैब्रिक्स भी आजकल काफी फेमस है एंड ये शू उसी का तरह का दिखता है. और विंटर्स में जब मैं इसे पहनती हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा शाइन करता है और ये मेरे क्लोथिंग का ये एक बेस्ट एक्सेसरी हो जाता है. तो क्योंकि ये शिमरी है तो ये मेरे पूरे क्लोथिंग का, पूरे अटायर का बेस्ट पीस हो जाता है. दिस शिमरी स्नीकर्स इज फॉर जस्ट 749 फ्रॉम श्री लेदर्स. लेट्स मूव टू द सेकंड वन. दिस इज द सेकंड पीस गाइस, दिस इज अ मस्ट हैव पीस फॉर एवरीवन. ऑक्सफोर्ड शू, मैं ऑक्सफोर्ड शूज एक ढूंढ रही थी और काफी ढूंढने के बाद मुझे ये मिला. क्योंकि हील्स में तो ये अवेलेबल है इजीली, बट मुझे एक थोड़ा कम हील में, जैसे कि बिल्कुल थोड़ी सी हील है ये, और ये हील बस लुक को एनहांस करने के लिए है. तो मुझे एक फ्लैट ऑक्सफोर्ड चाहिए था, विच फाइनली आई फाउंड ऑन मिंत्रा. की प्राइस अराउंड 1000 थी. दिस इज फ्रॉम मिंत्रा गाइज एंड मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूंगी. एंड इट्स अ मस्ट हैव पीस, इट गोज विथ योर वेस्टर्न वेयर एज वेल एज इंडियन वेयर. और आपके पास एक ऑक्सफोर्ड शूज होनी ही चाहिए, आप इसे गर्मी में ठंडी में हर टाइम पहन सकते हैं. द थर्ड वन इज दिस क्यूट बेली जो कि क्रीम कलर में है, जस्ट सी. और इसमें एक छोटा सा बो बना हुआ है और मैं आजकल ऑफिस इसे ही पहन कर जा रही हूँ. बस मोजा डालो और उनमें से कोई भी जूता डालो एंड यू आर गुड टू गो. एंड दिस इज माई न्यू फेवरेट गाइज, ये मैंने बहुत ही सस्ते में लिया था, जस्ट फॉर 299 गाइज. एंड इट्स रियली कम्फर्टेबल, ये कुशन जैसा है, काफी सॉफ्ट है इसका सोल. एंड गाइज, ये मैंने श्री लेदर से लिया था. लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. दिस इज अ बूट जिसकी आप हील देख लो, मैंने कम्फर्टेबल हील में लिया था इस टाइप ऑफ, ताकि मुझे चलने में थोड़ी कम्फर्ट रहे. और ये भी मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा पहन रही हूँ, घूमने जाना हो, कैजुअल आउटिंग में, ऑफिस जाना हो, मैं उसे बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ. जब मैं अपनी भूटान ट्रिप पे गई थी देन इसे मैं लेकर गई थी और वहाँ भी इसे मैंने काफ़ी यूज़ किया गाइस. एंड बूट्स के कलेक्शन में ये मेरा फेवरेट है एंड इसका कलर इज जस्ट वाओ. एंड इसकी प्राइस है 1299 एंड इट्स ऑल्सो फ्रॉम श्री लेदर्स. एंड नाउ आई एम गोना शो यू द फिफ्थ एंड द फाइनल पीस, बट वो एक शो स्टॉपर है गाइस. दिस लवली बूट जस्ट सीट्स ब्यूटी, ये बिल्कुल हाई हील में है. मैं इसे डेली नहीं पहनती हूँ बट ऑन स्पेशल ओकेजन जरूर डालती हूँ. मे बी इस साल में न्यू ईयर्स ईव पार्टी में भी इसे पहनूँ. एंड इसमें पूरी डिजायर्ड हील है जो मुझे चाहिए होती है. और ये थोड़ा हाई बूट्स है जो शॉर्ट ड्रेसेस होते हैं विंटर में, अगर मैं उन्हें पहनती हूँ पार्टीज में, देन दिस इज द पीस जो उनके साथ में पहनती हूँ. इट वॉज फॉर 1299 एंड इट्स फ्रॉम श्री लेदर्स. और अंदर में ये काफी सॉफ्ट है गाइस, जस्ट सी, वेरी वेरी सॉफ्ट. एंड हील्स है तो मैं इसे काफी कंफर्टेबल तो नहीं बोलूंगी, बट इट इज स्टिल
कंपैरेटिवली क्योंकि ये ब्लॉक हील्स है तो ये कंपैरेटिवली कंफर्टेबल भी है. सो अभी आपने देखे मेरे 5 पेयर ऑफ शूज विच आई लव टू वेयर इन विंटर्स. And if you like this video, if you like the series that I made on winter accessories, then do like this video, comment to it, share it with your friends. And guys, sabse important is subscribing my channel and hitting the bell icon. And isi tarah mujhe apna pyar and affection dete raho. Milte hain meri agli video mein. Till then, take care. Bye bye.